आज की वीडियो में हम इस ब्लैक ड्रेस की डिजाइनिंग देखेंगे जो कि आप कोई अफ्तार पार्टी में भी पहन सकती हैं या कहीं गेट टुगेदर पे भी पहन सकती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे ट्राउजर की डिजाइनिंग मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जहाँ मैंने बॉबिन में वूल भर के वाइट कलर की, तो उससे तीन तीन यहाँ पे सिलाइयाँ लगाई हैं और नीचे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाया और यहाँ से उसके मैंने धागे खींच लिए हैं, लेकिन आधे धागे खींचे हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे सीधे सीधे से कट लगाने हैं और बाकी एक एक्स्ट्रा धागे आप निकाल लेंगी इजी तरीके से। गला मैंने सिंपल ही रखा है, स्लीव्स पे डिजाइनिंग की है और मैंने उसके आगे पर्ल अटैच कर दिए हैं बारीक वाले, और नीचे घेरे की साइड पर मैंने चौक के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया। और कैसे बनाया है इसको मैं आपको वीडियो में इसकी डिटेल आपको दे देती हूँ, जो कि दोनों साइड्स पे इवन बन के आएगा आपका भी ये डिज़ाइन अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो। अगर आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काकी ने एक तस्वीर भी ले ली। यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग कर ली और शर्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ पे मेरा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बाई की तरफ, जो हमारा चाक फोल्डिंग में जाएगा, तो मैं इसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगा के तो यहाँ तक उसको बंद कर लूँगी, ताकि हमारा जो भी पैटर्न मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ वो हमारा दोनों साइड्स पर ईवन आ जाए। प्लेट की मदद से मैंने यहाँ पे एक पेपर के ऊपर ये मैंने राउंड शेप कट कर लिए, तो आप ही कट कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। आपने इसको फिर ऐसे सेंटर में से डबल करना है और जो फोल्डिंग लाइन आपकी बन के आएगी आपने उस फोल्डिंग लाइन को इस लाइन के साथ मैच करके रखना है, तो इससे आपका सर्कल जो दोनों साइड्स पे इवन बन के आएंगे। जैसे नीचे वाली साइड से जो घेरे की फोल्डिंग के लिए आपने मार्जिन छोड़ा होता है, वहाँ से आपने ऊपर जिधर चाक मेरे यहाँ पे सिलाई मैं करूँगी चौक यहाँ से खुलेंगे, तो यहाँ तक मैंने उसको मेजर कर लिया, उसके हाफ का निशान मैंने लगाया जो कि मेरे इधर आया है 11.5 इंच। मैं 11.5 इंच पे ये सेंटर का निशान बना लूँगी और ये जो हमने सर्कल फोल्ड किया है इसको सेंटर में से, इसको एक बार फिर सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद अब ये हमारे पास जो कोन बन के आएगी वो मैं इस निशान के साथ मिला के रखूँगी जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो चारों फोल्डिंग के निशान आए थे, सेंटर वाला जो पहला फर्स्ट मार्क किया था वो मैंने सिलाई के साथ मैच करके रखा है इस सिलाई के साथ, और जो फिर सेंटर से फोल्ड किया था वो जो हमने शर्ट का मिड किया था, तो आपने चौक के मिड में ये निशान रखना है और ये वाला, इस तरह से आपने पूरे सर्कल पे मार्क लगा लेना है। मैंने मार्क बना लिया है और ये मेरा चारों साइड से ये सर्कल बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब आपने अंदर वाली साइड पे जो इसकी मार्किंग करनी है वो भी ये। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग के लिए कच्ची पेंसिल ली है, पहले मैंने मार्क लगाए थे लेकिन वो मैंने कहा ज़्यादा ही ना, क्योंकि कस्टमाइज़ करना होता है ड्रेस तो मार्क वो बुरे दिखाई देते हैं, तो आप कच्ची पेंसिल ले लीजिएगा तो उसके साथ ट्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला मैंने सर्कल अंदर वाला बनाया है वो मैंने 2.5 इंच का बनाया है, आपने कोई सी डिबिया लेके तो उसके साथ आपने सेंटर बना लेना है। और इससे ये वाला मैंने एक सर्कल बनाया है, सेकंड सर्कल ये 1.5 इंच के फासले पे है, ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 इंच का फासला है और यहाँ से यहाँ ये 1.25 इंच का फासला है। ऐसे करके आपने ये पैटर्न ड्रा कर लेना है, इसके अंदर फिर फिलिंग अपनी मर्जी की कर लेंगे, जैसे मैंने दिखाई है तो आप ऐसे कर सकते। तो यहाँ पे मैंने प्राइमा के सिल्क कलर और एक्रेलिक कलर लिए हैं, दोनों को मैं मिक्स करके तो अपनी ये डिज़ाइनिंग करूँगी।
स्लीव्स के ऊपर मैंने जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, इसके लिए मैंने मार्कर की लीड ली थी तो उसके साथ मार्क लगा लिए साथ साथ, और फिर मैंने उसमें फिलिंग कर दी। और यहाँ पे ये एंट्रीज का रिजल्ट है जो बनने के बाद ये हमारा कुछ लुक ऐसी आई थी। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे हमारा इक्वली पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। तो अपना और अपने रिश्तों का रखिए बहुत सा ख्याल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।